एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी भगवान जी के लिए भोग। अभी आरती नहीं हुई है और इसी गेटअप में मैंने सारा मतलब भोग वगैरह बना लिया है एंड अब आरती भी करने वाली हूँ। बन गया है सब कुछ। जो हम नाश्ता करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वही चीजें भगवान को चढ़ाएं थोड़ा कुछ एक स्वीट के साथ में, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने वैसे सोचा था कि मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूंगी, बट क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको भगवान के लिए कुछ बनाना है करना, तो आपको कितने क्लीनलीनेस से शांत मन से काम करना होता है। तो मैं वही कर रही थी और सुबह का टाइम होता है, बच्चे का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, सारी चीजें होती हैं, तो वो थोड़ा जल्दी 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 करना पड़ता है। ब्लॉग के चक्कर में मुझे लेट हो जाता। मेरा काम हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। सो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये रेडी है हमारे पापा की प्लेट, भोग की प्लेट। मैंने आज इडली बनाया है उनके लिए नाश्ते में, इडली चटनी एंड गाजर का हलवा। एक्चुअली ये भी बन रहा है यहाँ पे, सांभर भी बन रहा है, बट लेट हो जाएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, तो इसलिए सांभर अब मैं अभी भोग में नहीं चढ़ाऊंगी। एंड और इडली बन रही है, ये है हलवे की कढ़ाई। सो ये है हमारा भोग की थाली। सो मॉर्निंग आरती डन, आप लोग भी ले लीजिए आरती। सो आफ्टरनून है अभी और मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को मॉर्निंग आरती की थोड़ी सी झलक दिखाई थी, फिर उसका टिमटिम की क्लास स्टार्ट हो गई एंड फिर मैं भी मेरे काम में लग गई। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करना था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। सो कल एक्चुअली मैं वो शूट करूंगी वो वीडियो, बट प्रिपरेशन वगैरह सब मैंने आज करी उसकी। सो वो क्या, और अभी टिंडियों की क्लास चली रही है, अभी उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा बस सुस्ता रही हूँ। और मेरा एक्चुअली आज मूड था कि मैं मॉर्निंग आरती के टाइम पर भी थोड़ा अच्छे से रेडी हूँ और अच्छे से पूजा तो खैर बहुत अच्छे से हुई। प्रसाद वगैरह मैंने प्रॉपर जैसा सोचा था वैसा बनाया, बस क्या बोलते हैं सांभर में थोड़ा लेट हो गई मैं, लेकिन रेडी वगैरह तो नहीं हो पाया, शायद अच्छे से बना, पूजा अच्छे से हुई। बट अभी शाम को मेरा प्लान है कि मैं बहुत अच्छा कुछ एक भोग बनाऊंगी भगवान के लिए और अच्छे से हम सब रेडी होंगे। और मोस्टली मतलब अभी जब से गणपति स्टार्ट हुआ तब से मेरे घर में लहसुन प्याज वगैरह नहीं बन रहा है, क्योंकि भगवान को ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को लहसुन प्याज की चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आज मैं शाम को बनाने वाली हूँ लड्डू और बाटी, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। वैसे मैं अराउंड 5 o'clock से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर दूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से नहीं आता, मुझसे हमेशा बिगड़ जाती है, बट लास्ट टाइम एक्चुअली अच्छा बना था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा बना लूंगी। तो 5 बजे से शुरू कर दूंगी ताकि 6:30 तक हो जाए, फिर 7:30 तक हम आरती कर लेंगे। सो अभी हम लोग अचानक से बाहर आने का प्लान बन गया और इनको एक्चुअली घर पर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ वर्क और बहुत दिनों से घर से नहीं निकले, तो इसलिए हम लोग अभी बस ऐसे ही घर के बहुत पास में ही जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और टिमटिम नहीं आई है हमारे साथ में क्योंकि उससे पूछा कि आपको चलना है, तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि दिन भर में उसको हम लोग हार्डली 1 आवर टीवी देखने के लिए देते हैं, तो उसको अभी वो टाइम मिला था टीवी देखने वाला, तो उसने टीवी देखना ज़्यादा ज़रूरी समझा हमारे साथ बाहर जाने से, तो उसको हम लोगों ने घर पर ही छोड़ दिया है। एंड टिमटिम बहुत समझदार है इस मामले में, वो जनरली अगर वो सोफे पर बैठ कर टीवी देख रही है तो वहाँ से हिलती भी नहीं है, और हम बाहर से लॉक करके आते हैं कि ऐसा भी ना हो कि किसी ने लॉक किया तो उसने अंदर से ओपन कर लिया, तो ऐसा भी कोई टेंशन नहीं है। सो बस हम लोग भी बस यही पास में कहीं रहेंगे, पास में क्यों जाएंगे। एंड निकलने से पहले मैंने ये बिल्कुल न्यूट से लिपस्टिक लगा ली और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि शिट यार, मुझे तो मास्क लगाना है, तो लिपस्टिक का क्या फ़ायदा हुआ, और मास्क में थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक लग भी गई। और मैंने ड्रेस पहनी है, 1 पीस पहना है और पायल निकालना भूल गई मैं। मैंने तीज के दिन पायल पहनी थी, तो वो पायल पैर में ही है, जब नीचे आ गई ना तब मुझे ध्यान आया कि मैंने पायल
सो शॉर्ट ड्रेस के नीचे मैं पायल पहन करके आई हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं था, तीसरे दिन पहनी हुई थी तो मुझे पहनी हुई है। देखते हैं यहीं पर थोड़ा सा आसपास ही थोड़ा सा घूमेंगे, कार थोड़ी पार्क करके खुली हवा लेंगे एंड फिर देखते हैं। इतनी आवाज क्यों कर रही है? घास में लेट के खुजली मिटा रहा है कैसे? वन मोर, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। सो हम लोग बस अब घर के पास ही आ गए हैं और कहीं नहीं गए, बस थोड़ी सी ड्राइव की इधर उधर और फिर सोचा बाहर निकले हैं तो भगवान के लिए फ्लावर्स ले लेते हैं। अब बस मुझे घर जाके भोग वगैरह बनाना है और थोड़ी फोटोशूट भी कराई मैंने, बस अभी इंस्टा पर डालूंगी वो फोटोज। बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप देख रहे हो कितनी अच्छी हवा चल रही है। विश टिमटिम भी आती है साथ में, उसको भी ले आना था यार। जाएंगे तो मैडम टीवी में लगी होंगी, बट फिर वही है ना, बच्चे को बाहर लाने का भी एक वही टेंशन ही होता है। सबसे बेटर फिर ये लगता है कि चलो घर पर, घर नहीं है वैसे, हम कहीं रुके ही बस फ्लावर की शॉप में गए थे फ्लावर्स लेने के लिए। चलते हैं, चले किचन में लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए। तो मैंने दाल रख दी है, मैंने आपको शायद सुबह बताया था कि मैं लड्डू बाटी बनाने का सोच रही हूँ, तो वही बना रही हूँ फाइनली। तो दाल बनने के लिए रख दिया है एंड लड्डू के लिए ये आटा निकाल लिया है। तो पहले मैं लड्डू के लिए आटा लगा करके, मतलब आटा गूंद करके उसकी पहले बाटी बना लूंगी। देन क्योंकि लड्डू की जो लड्डू बनता है उसकी जो बाटी बनती है उसमें सॉल्ट नहीं होता, प्लेन आटे को बस गूंद लेते हैं, थोड़ी सी सूजी वगैरह अगर डालनी है तो वो करके। तो पहले मैं इसकी फीकी बाटियां बना लूंगी, देन उसके बाद में थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़ी सी मसाले वाली जो नॉर्मल बाटी होती है वो बनाऊंगी। तो लड्डू वाली बाटी बना के फिर उसको ग्राइंड करके और जैगरी और घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मिक्स करके उसके फिर लड्डू बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
सो मैंने बाटी और वो लड्डू वाली बाटी दोनों ही रख दी है बनने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ. और जो दिखाने जा रही हूँ उसके लिए प्लीज डोंट जज मी, ये बहुत ही पुराना है, मेरे मदर इन लॉ की शादी के टाइम का है, तो वहां पर उन्होंने यूज किया फिर रखा हुआ था, तो फिर हम ले आए क्योंकि हम जनरली इसको यूज नहीं करते जो दिखाने वाले हैं उसको, तो इसको देख करके जज मत करना बिल्कुल भी. तो ये आपको दिखाने वाली थी, ये गैस वाला ओवन है जो कि बहुत पुराना है और मैं जनरली इसमें नहीं बनाती हूँ, मैं माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ अगर बनाती हूँ लड्डू मतलब बाटी वगैरह. तो वैसे तो मैं जनरली बनाती ही नहीं हूँ बाटी बाफले कुछ भी, बट अगर बनाती हूँ तो मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ, लेकिन जो ऑथेंटिक टेस्ट और टेक्सचर है वो इसमें ही आता है, तो इसलिए ये पुराना सा इसको कितना भी वॉश करो इसका कलर चेंज नहीं होता, तो मैं इसमें ही बना रही है. देखिए ये जो आपको लाइट कलर की दिख रही है बाटियां, ये है लड्डू वाली बाटियां, और ये जो येलो कलर की दिख रही है वो नॉर्मल जो हम दाल के साथ खाएंगे वो वाली बाटी है. तो बस इसको मैं अभी बेक होने के लिए ऐसे ढक दूंगी, थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटते रहना है, मीडियम हाई फ्लेम में रखना है, लो फ्लेम में नहीं रखना है, और हार्डली 15 मिनट में हो जाएगी. सो ये आरती हो चुकी है, आप लोग भी आरती ले लीजिए और वहीं से प्रसाद भी खा लीजिए. so ये है हमारे भगवान जी, आज उनका स्कार्फ चेंज किया है. हमारी आरती हो गई है और मैंने ये पहना है, मैंने आपको दिखाया था ना उस दिन, अभी अच्छे से पूरा लुक दिखाऊंगी. ये है कुर्ती एंड देन दुपट्टा लिया है और नीचे पटियाला पजामा, और ये मेरी टिमटिम इनकम. मैं सुबह कॉम किया था, उसके बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला दोबारा इसके कॉम करने का, तो दो छोटी की हुई है स्कूल के टाइम से. मैं अभी दिखाती हूँ आपको फुल लुक, और मैंने सोचा अभी इतने दिन बाद मैं प्रॉपर आरती कर पा रही हूँ तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, इयरिंग वेयरिंग पहन लेते हैं. वैसे ही लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, नहीं तो लॉकडाउन नहीं बोलेंगे, लॉकडाउन तो ओपन हो चुका है, कोविड 19 की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है. अगर अभी कोविड 19 नहीं होता तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर, मतलब हमारी सोसाइटी में भी एंड पूरे महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में कितना अच्छा सेलिब्रेशन होता गणपति का, बट उसकी वजह से कोविड 19 की वजह से कुछ भी नहीं है. चलिए अब मैं देखती हूँ, अभी खाना है क्या कि थोड़ा रुक के खाना है.
अभी नहीं खाना, आपको तो कभी नहीं खाना रहता है टिमटिम। खा ले ताकि डाइजेस्ट हो जाए ना जल्दी। हम लोग अभी इतना घी खा रहे हैं जब से गणपति स्टार्ट हुए हैं, इतना ज्यादा घी खा रहे हैं गणपति क्या बोलते हैं विसर्जन तक के हमारा वेट बढ़ जाएगा पक्का। बहुत भले कितना भी कंट्रोल करके खा रहे हैं बट स्टिल उतना घी तो जा ही रहा है ना बॉडी में। सो ये देखिए, ये है मेरा फुल गेटअप, दिख रहा है ना पूरा। ये मैंने पटियाला पहना है नीचे, ये बहुत पुराना है एक्चुअली बट रखा हुआ था, बस ये पटियाला पहना है। एंड देन ये शॉर्ट कुर्ती है, ये बहुत लूज है, इसको मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा। एंड दुपट्टा एक्चुअली एग्जैक्टली मैचिंग का नहीं है, बिकॉज मैं जब दुपट्टा लेने गई थी तब ये पजामा लेकर नहीं गई थी, तो बस मैंने ऐसे ही गेस करके थोड़ा सा मिलता जुलता सा कलर का दुपट्टा लेकर के आई हूँ। सो डिनर वगैरह तो डिनर वगैरह तो 8 बजे कर लिया था, फिर मैं बैठ गई। टिमटिम का स्कूल का एक कुछ होमवर्क मिला था क्राफ्ट के लिए, उसको ये फेस मास्क बनाना था, मतलब कोई सा भी फेस मास्क बनाना था, तो मैंने ये फॉक्स स्वाइपर द फॉक्स का ये मास्क बना दिया उसके लिए। क्या पता क्या करेंगे स्कूल वाले इसका। ऑनलाइन क्लासेस में ही ये एक एक्टिविटी मिली थी हिंदी में, आई गेस यस हिंदी में। सो ये बनाया था, इसमें मुझे बस धागा बांधना है ताकि वो अपने फेस पर ऐसे ऐसे बांध सके। मिला नहीं मिला, मैं ढूंढती हूँ। देखो ये है मेरी लोमड़ी और लोमड़ी तो पूरा मेस फैला हुआ है, अभी देखेंगे आप तो मेरा पूरा हॉल जो है वो टिमटिम मैडम ने फैला दिया है। यस अच्छा दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करो ना, दोनों आईज दिखेगी। हाँ अभी देखो दोनों आईज दिख रही है ना मुझे पूरा किचन क्लीन करना है, बर्तन वर्तन सब करना है। बोलो बेटा, मम्मी ऐसे करती है ना खाने का मन चाहिए होता तो मेरा मतलब हम लोग का डिनर तो 8 बजते हो गया था, अभी बज रहे हैं 8:30। हाफ एन आवर लग गया मुझे ये इसकी एक्टिविटी का काम करना है, ड्रेस भी चेंज करूंगा, किचन क्लीन करना है मुझे पूरा, फिर मुझे वीडियो एडिटिंग। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, और आज और कल भी मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस करने हैं, दो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस। सो अभी फिर से मैं किचन में हूँ और फाइनली जो पूरा क्लीन वाला काम है ना वो कर रही हूँ, किचन का ऑलमोस्ट हो गया है मेरा सारा क्लीनिंग। देखेंगे आप, बर्तन भी कर लिए हैं मैंने, एंड अभी मैं अपने थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। आज मैं मिल्क नहीं पीऊंगी क्योंकि बहुत लेट डिनर किया है, पानी गर्म हो रहा है तो बहुत लेट डिनर किया, तो आज मिल्क की जरूरत नहीं है। बस जाऊंगी चेहरा वगैरह क्लीन करूंगी, नाइट टाइम रूटीन, एंड थोड़ा सा गर्म पानी पीऊंगी। और ये ब्लॉग जो है इसको यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, एंड बहुत ही अजीब सा दिख रहा है ना फेस, ये नाइट सूट में कान में बड़े बड़े पहने हुए हैं, तो बस अभी ये भी उतारूंगी क्योंकि अब आदत नहीं रही कान में बड़े पहने की, बहुत हैवी सा है ऊपर से ये। बट यार कहीं बाहर नहीं जाना, बट स्टिल थोड़ा सा तो घर पर भी रेडी हो जाना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया है तो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।